महाप्रभु पे एक जोड़ी कपड़ा था, बस एक पहन लिया एक धो करके सुखा दिया। उस एक जोड़ी में से भी जो एक जोड़ी जो थी उसको महाप्रभु ने गोपाल भट्ट जी के लिए भेज दिया। अब आते हैं श्री गोपाल भट्ट जी पर। ब्रजस्थ वैष्णव परंपरा में श्री गोपाल भट्ट जी का स्थान जो है वो अन्यतम है, और उनका वैराग्य इतना अधिक है कि उनके विषय में न कभी ज़्यादा लिखा गया, न कभी पढ़ा गया, न कहीं सुना गया। यहाँ तक कि ऐसी किंवदंती है, ऐसा बड़ों से सुनते आए हैं कि वो अपनी प्रतिष्ठा, अपनी पद पूजा प्रतिष्ठा को लेकर के इतने संवेदनशील थे कि कहीं मेरी प्रतिष्ठा नहीं हो रहा है, कोई मेरी पूजा नहीं करने लग जाए, कोई कुछ करने मेरे को प्रणाम नहीं करने लग जाए। वो यहाँ तक थे कि उनके लीला अंतर ध्यान होने के बाद काफ़ी समय बाद कृष्णदास कविराज ने चैतन्य चरितामृत ग्रंथ की रचना की। तो ऐसी कथा अंतर कथाएँ हैं, कृष्णदास कविराज को गोपाल भट्ट गोस्वामी ने स्वप्न में आदेश किया, यह जो महाप्रभु और उनके भक्तों का चरित्र जो तुम लिख रहे हो, श्री चैतन्य का जो चरित्र लिख रहे हो, तो इसमें भक्तों की भी कथाएं आएंगी, तो सावधान मेरा इसमें वर्णन नहीं करना, क्योंकि मेरा वर्णन करोगे बास को ग्रंथ को पढ़ेंगे लोग, कहीं मेरा चित्रपट रख करके, कहीं मेरी समाधि पर आके कहीं प्रणाम नहीं करने लग जाए, कहीं फूलमाला नहीं, कहीं जय जयकार नहीं होने लग जाए, तो सावधान ग्रंथ में मेरा नाम स्पष्ट मत करना। तो कृष्णदास कविराज ने एक या दो स्थानों पर केवल गोपाल भट्ट गोस्वामी जी का नाम एक रेखांकित करने का बस प्रयास किया। बोले आचार्य की आज्ञा है उनका नाम नहीं लिखना है, गोपाल भट्ट जी की आज्ञा उनका नाम नहीं लिखना है। तो वह अपने प्रचार से, अपनी प्रतिष्ठा से इतना दूर रहते थे, कोई मिलने भी आए तो दूर चले जाते थे। वृंदावन में स्थापना हुई, भीड़ बड़ी, आप महावन चले गए दूर यमुना पार करके, बोले यहाँ कोई नहीं आएगा, निर्जन वन, एकांत निर्भय जंगल हो जहाँ दूर दूर तक कोई नहीं हो, वहाँ बैठ के भजन करेंगे, पद पूजा प्रतिष्ठा से दूर। वह श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी दक्षिण में जो श्रीरंगम है, उस श्रीरंगम में इनके पिताजी हैं श्री वेंकट भट्ट, और आप वहाँ के उत्सव मूर्ति जो हैं श्री रंगनाथ जी की जो सवारी और झांकी में आते हैं, उनके आप प्रधान आचार्य हैं, उनके प्रधान सेवाधिकारी हैं श्री वेंकट भट्ट, उनके आप एकमात्र पुत्र हैं श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी। जब श्री चैतन्य महाप्रभु दक्षिण यात्रा में गए हैं, सो आपने चातुर्मास निवास, सन्यासी का एक नियम है कि जब चातुर्मास प्रारंभ हो तो सन्यासी जिस जगह पर है वो वहीं रुक जाता है, वर्षा के चार महीने वो कहीं जाता नहीं, उसी गांव में रहता है। सो आप जब श्रीरंगम पधारे तो चातुर्मास का प्रारंभ हुआ, तो वेंकट भट्ट जी ने कहा कि महाराज आप चातुर्मास शुरू हो रहा है, सो आप कृपा करके हमारी कुटिया पर ही रहो। सो महाप्रभु जी उनके यहाँ पर चार महीना रहे, और चार महीने में श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी का संग चैतन्य महाप्रभु से हुआ। पूरे गौड़िया संप्रदाय के सब भक्तों का चरित्र देखेंगे तो एकांत वार्ता, एकांत संग महाप्रभु का जो गोपाल भट्ट गोस्वामी ने किया है, इतना लंबे पीरियड तक किसी ने नहीं किया। महाप्रभु की अहेतु की कृपा जो गोपाल भट्ट गोस्वामी पे हुई, इतना लंबा समय एकांत में वह और गोपाल भट्ट और दूसरा कोई नहीं, ये एक लंबा समय जो है 24 घंटे साथ में रहने का, ये किसी और को इतना लंबा चार महीने तक का समय और किसी को लीला काल में प्राप्त नहीं हुआ। वहीं उनकी दीक्षा हुई, चैतन्य महाप्रभु के एकमात्र मंत्र शिष्य होकर के
आप विराजमान हैं, और जब महाप्रभु चातुर्मास के पूर्ण होने पर जब चलने लगे तो गोपाल भट्ट जी बोले अब तो गुरु जी के संग चेला भी जाएगा, हम भी आपके साथ चलेंगे। तो बोले नहीं, जब तक आपके माता पिता हैं तब तक आप घर पर ही रहेंगे, माता पिता की सेवा करते रहेंगे, और जब इनका वैकुंठ वास हो जाए तब आप वृंदावन आएंगे। तो पहली शिक्षा तो ये कि जब तक माता पिता हैं वह आपके कर्तव्य हैं उनकी सेवा करना, भगवत भजन के साथ साथ अपने माता पिता की सेवा। तो जब उनके माता पिता का वैकुंठ वास हुआ उसके बाद आप गोपाल भट्ट गोस्वामी वृंदावन आए। यहाँ रूप सनातन पहले आ चुके थे, महाप्रभु जब वृंदावन यात्रा से जा रहे हैं और रूप सनातन आ रहे हैं, यह उनका काल है। तो रूप सनातन बहुत पहले ही आ गए थे गोपाल भट्ट जी से, और वह आकर के गोपाल भट्ट जी उनसे मिले। तो सनातन गोस्वामी ने एक पत्र लिखा महाप्रभु को। तो ब्रज की जो वर्तमान स्थिति थी उस समय वह पूरी लिखी, क्या क्या लीला स्थल खोजे हैं, गोविंद जी प्राप्त हो गए, मदन मोहन जी प्राप्त हो गए, गोपीनाथ जी प्राप्त हो गए, ये सब उसमें चर्चाएं, क्या क्या मूर्तियां प्राप्त हुई हैं बज्रनाभ काल की, क्या क्या ग्रंथ हैं, क्या कार्य चल रहा है, जो भी अपना कार्य है उसकी एक रिपोर्ट समरी जो है वो रिपोर्ट तैयार करके महाप्रभु को भेजी, और अंत में लिखा दक्षिण से श्री गोपाल भट्ट वृंदावन आ गए हैं, एक पंक्ति बस। महाप्रभु ने पत्र पढ़ा, देखा गोपाल भट्ट वृंदावन आ गए हैं। सो अपना प्रसादी आसन, एक काष्ठ का आसन है, एक पट्टा जिस पर बैठ के चैतन्य महाप्रभु भजन करते थे, अपना मंत्र करते थे, वह अपना कौपीन, कौपीन को बांधने की डोर, अपना बहिर्वास, महाप्रभु पे एक जोड़ी कपड़ा था बस, एक पहन लिया एक धो करके सुखा दिया। उस एक जोड़ी में से भी जो एक जोड़ी जो थी उसको महाप्रभु ने गोपाल भट्ट जी के लिए भेज दिया। अब महाप्रभु पे रहा एक ही, एक कॉपी ने, एक डोर है, एक बैरवास है। अब जो एक एक्स्ट्रा जो था बदलने का वो भी आपने गोपाल भट्ट जी के लिए भेज दिया, अपना भजन करने का जो आसन है वह भी उनके लिए भेज दिया। एक वैष्णव के हाथ से जगन्नाथ जी की माला, तुलसी प्रसाद और वह सब प्रसादी वस्तुएं पत्र लिख करके, पत्र किसको लिखा, सनातन गोस्वामी को, एड्रेस जो डाला वो सनातन गोस्वामी का था। पत्र में ये लिखा ये सब वस्तुएं जो भेज रहा हूँ ये मेरी निज वस्तु है और ये केवल गोपाल भट्ट को दे देना। वह आए, प्रभु की वस्तु यहाँ पधारी, वृंदावन में महोत्सव हुआ। सनातन गोस्वामी मस्तक पर धारण करके उन वस्तुओं को लेके यहीं पर गोपाल भट्ट जी की कुंज है यहीं पर पधारे। अब पधार करके उनको वह प्रदान की, गोपाल भट्ट जी ने भी उनको उठा के मस्तक पर लगा लिया। तो सनातन गोस्वामी ने कहा ये मस्तक पर लगाने के लिए नहीं भेजी है, ये बैठने के लिए भेजा है। जैसे गुरु अपने शिष्य को उत्तराधिकार देता है तो अपनी गद्दी भी उसको दे देता है, सो गद्दी के रूप में अपना आसन जो है ये महाप्रभु ने भेजा है। आज से महाप्रभु के उत्तराधिकारी के रूप में आप हमारे लिए पूजनीय होंगे। सो सब गोस्वामी बड़ों के आत्यंतिक अनुरोध पर आप उस पट्टा पर बैठे, उन वस्त्रों को मस्तक पर धारण किया और सबको दर्शन दिए। सो इस प्रकार महाप्रभु की जो गादी परंपरा है वो नीलांचल से वृंदावन आई और गोपाल भट्ट जी उस पीठासीन अधिकारी हुए। महाप्रभु ये जान गए सब लोग कि उत्तराधिकार देने का अर्थ है कि अब महाप्रभु लीला संवरण करने वाले हैं। तो इस घटना के महीना दो महीना बाद ही महाप्रभु ने श्री जगन्नाथ विग्रह में आप अंतर्ध्यान हो गए। सो गोपाल भट्ट जी को बहुत विरह हुआ
तो आपने स्वप्नादेश दिया, चैतन्य महाप्रभु ने गोपाल भट्ट जी को स्वप्नादेश दिया कि तुम विकल मत हो, व्याकुल मत हो, नेपाल में जाओ और जहाँ से शालिग्राम प्राप्त होते हैं दामोदर क्षेत्र से, वहाँ से शालिग्राम लेकर के आओ, मैं तुमको उसी रूप में प्राप्त होऊंगा। सो आदेश मान करके तुरंत आप जो है यहाँ से दामोदर क्षेत्र के लिए आप नेपाल गए पैदल, ना कोई गर्म कपड़ा था ना कुछ, वही डोर कॉपिन बहरवास माला झोली ली और चल दिए। दामोदर क्षेत्र पहुँचे, वहाँ से 12 शालिग्राम आप लेकर के वृंदावन आए और उनका नित्य विधि पूजन अर्चन करते। उसी समय ओरछा नरेश के राजगुरु जो थे श्री हरिराम व्यास, वे वृंदावन आए। सो व्यास जी जो हैं उनकी वाणी कर्ता के रूप में बड़ा प्रसिद्धि है, ब्रज की वाणियों में, वाणी रचना में उनका बड़ा नाम है हरिराम व्यास जी का। व्यास जी आए सो एक दिन दर्शन करने, अक्षय तृतीया का दिन था। सो सब जगह के दर्शन करते हुए बोले गोपाल भट्ट के शालिग्राम के भी दर्शन कर लेते हैं। तो शालिग्राम जी के दर्शन करने आए, सो कमल का एक झूला बनाए करके हमें शालिग्राम जी चंदन लगा के बैठे, भाई सब आप झूला झूला रहे। सो व्यास जी आए, चर्चा हुई, कृष्ण कथा हुई। जब चलने लगे तो बोले आप तो पदकर्ता हो, सुंदर सुंदर पद लिखते हो ठाकुर जी की लीला के ऊपर, स्वरूप के ऊपर, सर हमारे ठाकुर जी पर भी एक पद लिख दो, कोई उनकी भी स्तुति में कुछ गा दो, हमको भी आनंद होगा। सर अब शालिग्राम जी की ओर देखा व्यास जी ने, अब इनमें कोई स्वरूप तो है नहीं, गोल गोल शिला है, उसमें क्या वर्णन करें, किनकी नासिका कैसी है, किनके हाथ कैसे हैं, इनकी चरण कैसे, वो तो है ही नहीं, शिला स्वरूप है, अब इसका क्या वर्णन करें। तो उन्होंने लिखा झूले मेरे गंडकी नंदन, गंडकी से प्रकट होते शालिग्राम जी, तो ये गंडकी नंदन है, जैसे यशोदा नंदन है, कौशल्या नंदन है, ऐसे गंडकी नंदन, झूले मेरे गंडकी नंदन, मानो भटा कढ़ी में बोरे अंग लगाए चंदन। जैसे पकौड़ा बनावे के ताई, बैगन के भाजा बनाने के ताई, जैसे उसको बेसन में लपेट देते हैं, ऐसे आपको चंदन लगाया हुआ है, मानो भटा कढ़ी में बोरे अंग लगाए चंदन। हाथ ना पाम नैन नहीं नासा, हाथ पाम नैन नक्श कुछ है नहीं, ध्यान करत कच होत आनंदना। आपका दर्शन करने से, ध्यान करने से कोई विशेष आनंद की प्राप्ति हो ऐसा नहीं है, सामान्य से दर्शन है, क्या है। जालंधर ओ वृंदावल्लभ, आप तो श्रापित देवता होकर के विराजमान हो, वृंदा के श्राप से आप शालिग्राम हुए हो, जालंधर का आपने रूप धारण किया है। जालंधर ओ वृंदावल्लभ, गामे व्यास कहा कहें चंदन, आपके ऊपर क्या छंद लिखें, झूले मेरे गंडकी नंदन, ये कह के व्यास जी चले गए। और इधर गोपाल भट्ट जी को बड़ा दुख हुआ, मेरे ठाकुर जी होते, विग्रह होते तो हम भी उनका श्रृंगार करते। और व्यास जी ये नहीं कहते कि ध्यान करत कछ होत आनंदना, इनका ध्यान करने से आनंद नहीं होता है। सो आप व्याकुल चित्त होकर के रहे। अब आई अक्षय तृतीया के बाद आई नृसिंह चतुर्दशी। तो वैष्णवों के नियम में, एक आचरण में एक विशेष नियम ये है, चार जयंती व्रत का वह पालन करते हैं, एकादशी तो है ही, उसके अतिरिक्त चार जयंती व्रत का भी वह पालन करते हैं। उसमें एक हैं श्री रामनवमी, श्री नृसिंह चतुर्दशी, श्री कृष्ण जन्माष्टमी और श्री वामन द्वादशी। ये चार व्रत वैष्णव को करने ही चाहिए, किसी भी संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय में सभी में ये मान्यता है, ये चार जयंती व्रत मान्य हैं। तो नृसिंह चतुर्दशी का व्रत किया, सायंकाल में नृसिंह जी का अभिषेक किया, नृसिंह शिला थी शालिग्राम,
तो उनका अभिषेक कर रहे थे। अभिषेक किया, भागवत में नृसिंह चरित्र जो है उसका पाठ किया, पाठ करते करते एक स्थान पर भागवत में आया, सत्यम विधातुम निजभृत्य भाषितम। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि अपने भक्त की वाणी को सत्य करने के लिए, सत्यम विधातुम निजभृत्य भाषितम स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम। स्तंभ में से, खंबा में से आप आधे नर आधे सिंह होकर के आप प्रकट हो गए, किसके लिए? बोले सत्यम विधातुम निजभृत्य भाषितम, निजभृत्य भाषितम विधातुम करो तुम सत्यम। बोले आप जब अपने भक्त की वाणी को सत्य करने के लिए खंबा में से दर्शन दे सकते हो, तो इस शिला में से मुझे कब दर्शन होंगे? अभी तो पत्थर फोड़ के आप प्रकट हुए थे, तो मुझको भी या शिला में से आप दर्शन दो। अगर आप, आपकी ये विरुद्ध है, आपकी ये कीर्ति है कि मैं अपने भक्त की वाणी को सत्य करता हूँ, यदि ये आपका विरुद्ध है, आपने ये विरुद्ध धारण किया, आपकी विरुद्धावली आपने धारण की, आपने अपनी ये कीर्ति बनाई है, मेरा भक्त जो कहेगा जहाँ कहेगा मैं वहाँ से प्रकट हो जाऊँगा, प्रहलाद ने खम्भे में से इशारा किया तो मैं खम्भे में से प्रकट हो गया, प्रहलाद कहते सिंहासन में से प्रकट हो तो मैं सिंहासन में से प्रकट हो जाता, भक्त जहाँ निर्देश करेगा मैं वहाँ से प्रकट हो जाऊँगा, तो ये बात सत्य है। तो हम भी अगर आपके भक्त हैं तो मुझे यह शिला में से दर्शन दो। और ये कहते कहते आप रोते रोते मूर्छित हो गए। अगले दिन वैशाख शुक्ल पूर्णिमा संबत 1599 सोमवार विशाखा नक्षत्र, सुबह उठ कर के जब सेवा के लिए शालिग्राम जी की पोटली खोली तो बाकी 11 शिलाएं तो जैसी थी वैसी हैं, जो दामोदर शिला थी वह पूरी शिला श्री राधारमण लाल के रूप में अपने आप परिवर्तित हो, स्वयंभू। यह विग्रह किसी ने बनाया नहीं, भक्त वांछा कल्पतरु होकर के आप प्रकट हुए, भक्त की अभिलाषा को पूर्ण करने के लिए, भट्ट जी की अभिलाषा को पूर्ण करने के लिए आप शालिग्राम में से अभिनव नवघन श्यामल रूप में श्री राधारमण लाल के रूप में आप प्रकट भई, और ब्रज में ये समाचार सर्वत्र फैल गया। सनातन गोस्वामी आए, रूप गोस्वामी आए, सब ने मिल के अभिषेक किया, उनका नाम राधारमण रखा गया। तो ब्रजस्थ जो गौड़िया परंपरा है उसमें गौड़िया आचार्यों के प्रथम देवता होकर के, प्रथम विग्रह होकर के श्री राधारमण लाल विराजमान है। यद्यपि राधारमण लाल से पूर्व तीन विग्रह, चार विग्रह पहले आ चुके थे, श्री गोविंद देव जी आ गए थे, श्री मदन मोहन जी आ गए थे, श्री गोपीनाथ जी आ गए थे, और श्री राधा विनोदी लाल लोकनाथ गोस्वामी के, ये चार विग्रह पूर्व में थे, पर ये चारों विग्रह किसी और के द्वारा स्थापित थे, और कहीं भूमि शोधन करने पर यह प्राप्त हुए। गोमा टीला की खुदाई करी तो गोविंद देव जी प्रकट हो गए, बंसीवट से आवाज़ आई तो गोपीनाथ जी प्रकट हो गए, मथुरा गए तो मदन मोहन जी मिल गए, बरसाने में कुंड में सरोवर में स्नान किया तो विनोदी लाल जी प्रकट हो गए। तो किसी ना किसी के पूर्व स्थापित देवता थे, खोजबीन में ये मिले हैं, इसलिए चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज कहते हैं यही तीन ठाकुर गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन, यही तीन ठाकुर गौड़िया के कोरे आत्मसात, इनको अपने में मिलाया है। दूसरे के हैं, बज्रनाब के द्वारा प्रतिष्ठापित हैं, पर इनको अपने में मिलाया है। पर राधारमण लाल जो हैं ये तो मूलता पूर्णता गौड़िया ही हैं। गोपाल भट्ट गोस्वामी के ठाकुर जी के प्रकट करने के 11 वर्ष बाद ही उनके शिष्य हुए श्री दामोदर दास गोस्वामी जी महाराज, और वे गृहस्थ हुए, और उन्होंने सेवा, गोपाल भट्ट जी ने राधारमण लाल जी की सेवा दामोदर दास गोस्वामी जी को सौंप दी और कहा कि
तुम और तुम्हारे वंशज ही राधारमण लाल जी के सेवा के अधिकारी होंगे। और सौंपते समय एक विशेष नियम बताया, कभी भी राजधन और राज अन्न इनको ग्रहण मत करना। शिष्यों ने कहा, जैसा गुरु जी कहें, गुरु आज्ञा में न विचारणीय, शास्त्र का नियम है गुरु आज्ञा में विचार नहीं करना चाहिए, अपनी बुद्धि नहीं लगाना चाहिए, गुरु जी ने क्यों कहा, कैसे कहा, किस लिए कहा, कह दिया अब मान लिया, गुरु आज्ञा में न विचारणीय, गुरु की आज्ञा में विचार नहीं करना चाहिए, तर्क नहीं करना चाहिए, बुद्धि नहीं लगानी चाहिए, जैसा कहा वैसा मान लिया, अब राजा की संपत्ति लेनी नहीं, राजा से धन लेना नहीं, तो फिर मंदिर कैसा बनेगा, बोले छोटी सी कुटिया है, छोटे से ठाकुर जी हैं, जो कुछ इधर उधर करके जो कुछ मधुकरी मिल जाए सो ठाकुर जी को भोग लग जाए, जबकि गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन के बड़े बड़े मंदिर राजाओं ने बनवा दिए, खूब चकाचक भोग राग हो रहा है। इस नियम का लाभ हम परवर्ती काल में देखते हैं कि जब वृंदावन पर आक्रमण हुए तो वे बड़े बड़े मंदिर जो दूर से दिखाई दे रहे हैं उन सब के शिखरों को भग्न किया गया। मंदिर पर आक्रमण हुआ इसलिए ठाकुर जी को ब्रज छोड़ करके अन्यत्र जाना पड़ा, ना यहाँ राजाओं के द्वारा स्थापित कोई बड़ा मंदिर है, ना कोई बड़ी सेवा है, छोटी सी झोंपड़ी है, अपने ठाकुर जी हैं, चुपचाप धरे हुए हैं, प्रसाद सेवा भोग राग हो रही है, किसी का ध्यान नहीं गया, कोई नाम नहीं हुआ, सो एकांत से भी होकर के विराजमान हुए। सो राधा रमन लाल ही एकमात्र वृंदावन के विग्रह हैं जो आक्रमण काल में भी वृंदावन अपनी कुटिया अपने सिंहासन को छोड़ के कहीं नहीं गए। चारों तरफ आक्रमण हो रहा है, राधा रमन लाल अपने जहाँ सिंहासन पे हैं वो वहीं हैं, पूरी अष्टयाम सेवा हो रही है, कोई कठिनाई नहीं है, कोई कुछ नहीं है, उसके मूल में क्या है, राजधन राज अन्न वह कभी भी ग्रहण नहीं करना, ना बड़े मंदिर बने ना आक्रमण हुआ। वृंदावन के ऐसे कोई श्री विग्रह नहीं है जो बाहर ना गए हों। गोविंद देव जी जयपुर विराजमान हैं, श्री गोपीनाथ जी जयपुर विराजमान हैं, श्री मदन मोहन जी पहले जयपुर रहे फिर करौली विराजमान हुए, श्री राधा विनोदी लाल जयपुर हैं, श्री राधा दामोदर देव जयपुर हैं, श्री श्याम सुंदर जी आप आक्रमण काल में कामबन पधारे, श्री राधा वल्लभ लाल जी आप कामबन पधारे वृंदावन छोड़ के गए, श्री बिहारी जी भरतपुर पधारे अद्यतन वहीं विराजमान हैं, केवल और केवल राधा रमन लाल ऐसे हैं जो अपना पाठ छोड़ करके अपना सिंहासन छोड़ के एक रत्ती मात्र भी कहीं नहीं ले। उसके मूल में जो नियम था वह यह था, राजधन राज अन्न वह कभी भी ग्रहण में नहीं करे, जो कुछ मिल जाए सब भक्तों के प्रयास से सेवा से, रूखी सूखी खाना मंजूर है, धाम छोड़ करके नहीं जाएंगे, अपने वैभव प्रतिष्ठा में नहीं, क्योंकि यह श्री विग्रह ऐश्वर्यशाली ना होकर के परम माधुर्य से युक्त विग्रह है, इसकी माधुर्यमयी सेवा की यहाँ प्रधानता है, ऐश्वर्य सेवा का यहाँ प्रकाश नहीं है। आत्मा तु राधिका तस्य तैव रमणा दशम, जिनकी आत्मा जिनकी क्रिया शक्ति लीला शक्ति होकर के श्री राधिका विराजमान हैं और वह अपनी ही शक्ति के साथ जहाँ निरंतर रमण करते हुए विराजमान हैं वह हैं श्री राधा रमन लाल, तो परम माधुर्यमयी होकर के सेवा यहाँ विराजमान, स्वरूप भी परम माधुर्य निभृत निकुंज विलास स्वरूप होकर के आप विराजमान हैं, और एक ही ठाकुर हैं पूरे वृंदावन में ब्रज में जो कौपीनधारी हैं, लंगोट कसके और सबके सामने विराजमान रहते हैं कि कोई पहलवान हो तो आके हमसे बताए को। सो गोपाल भट्ट गोस्वामी ने अपने वैराग्य स्वरूप जो है, जैसे हम हैं वैसे हमारे ठाकुर हैं, हम भी कंथा कौपिनधारी हैं, हमारे ठाकुर जी भी कौपिनधारी हैं, सो एक विशेष झांकी जो है वो राधा रमन लाल जी के अष्टयाम सेवा में एक विशेष दर्शन होते हैं सायंकाल में, उसको कहते हैं औलाई के दर्शन। तो जैसे गोपाल भट्ट जी कौपिन धारण करके मात्र अपने वैराग्य मूर्ति होकर के भजन करते हैं, ऐसे ही राधा रमन लाल भी श्री गोपाल भक्त के दर्शन
जहाँ भगवान में हो रही हूँ। तो गोसाई जी की रहनी, गोसाई जी का रूप कैसा था, कैसे रहते थे, क्या उनका स्वरूप था, वह दर्शन करना हो तो राधा रमन लाल की ओलाई के दर्शन कर लो। जैसे वो केवल कौपिन धारण करके एकमात्र खड़े हैं, ऐसे श्री गोसाई जी भी केवल कौपिन भैरवाज धारण करके आप नित्य सेवा में विराजमान। आपने हरिभक्ति विलास जैसा, वैष्णव नियमावली जैसा विशाल ग्रंथ लिखा, आपने कृष्ण कर्णामृत की कृष्ण वल्लभा टीका लिखी, सत्क्रिया सार दीपिका और संस्कार दीपिका, ये दो ग्रंथ एक गृहस्थ जीवन के लिए, वैष्णवों का कैसा आचरण हो, गृहस्थ में कैसे रहें वैष्णव, उसकी सारी पद्धति, और एक संन्यास लेकर या वेश लेकर के उसमें फिर प्रक्रिया कैसे हो, उत्तर क्रिया कैसे होगी। तो संस्कार दीपिका के रूप में वह ग्रंथ है, और वैष्णव जीवन को लेके, गृहस्थ जीवन को लेकर सत्क्रिया सार दीपिका वह है, और एक ग्रंथ जो अभी प्राप्त नहीं होता है वह है दानखंड। उसमें श्री कृष्ण की दान लीला की मधुरिमा जो है उसका वर्णन किया गया, कालांतर से वह हमको ग्रंथ अभी प्राप्त नहीं है, और भी अन्य ग्रंथों की रचनाएं की गई, ऐसी किंवदंती है, ऐसा प्रमाण भी कहीं कहीं मिलता है, गौड़िया वैष्णव आचार्यों ने 400,000 ग्रंथ उस समय पर लिखे, 400,000 ग्रंथ लिखे। तो उनमें से जो वैष्णवों के उपयोगी ग्रंथ थे वो तो अभी भी विराजमान हैं, पर जो लीला परक, अति माधुर्य लीला परक जो ग्रंथ थे, कि आने वाले साधक इसका कहीं गलत अर्थ ना लगाएं, कहीं रसाभास नहीं हो, कहीं अपराध ना बन जाए, अतः इस भय से उन ग्रंथों को उस समय के तत्कालीन समाज ने तो उसका आस्वादन किया, पर परवर्ती काल में कोई अहोपहो की स्थिति नहीं हो, इसलिए उन आचार्यों के काल में ही उन समस्त ग्रंथों को भूमि में समाधि दे दी गई। ऐसा उदाहरण विश्व में आपको अन्यत्र कहीं नहीं मिलेगा, वह ग्रंथ समाधि भी वृंदावन में विराजमान है, श्री मदन मोहन जी के घेरा में, सनातन गोस्वामी जी की समाधि के पास में वह ग्रंथ समाधि भी है, जहाँ ग्रंथों को समाधि दी गई। ऐसा आपको विश्व इतिहास में या किसी संप्रदाय इतिहास में आपको ऐसी घटना नहीं मिलेगी, जहाँ ग्रंथों का प्रणयन किया गया, उनका वाचन किया गया, उसका आस्वादन लिया गया और बाद में उसको समाधि दे दी गई। ऐसा आपको जो संप्रदाय वैशिष्टता जो है, उस वैशिष्टता का एक पुष्प यह भी है कि कहीं बाद में इसका गलत अर्थ ना निकले, कहीं माधुर्य लीलाओं के आगे अधिकारी जन ना हो, तो अनधिकारी जान करके उन ग्रंथों को समाधि दे दी गई। ऐसा उदाहरण आपको कहीं अन्यत्र किसी भी इतिहास में, किसी भी परंपरा में, चाहे पाश्चात्य हो चाहे पूर्व की हो, किसी परंपरा में ग्रंथों को समाधि देने का वर्णन नहीं है। जब नंद महाराज के यहाँ लाला हुआ, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जातल लादो महामन, आत्मज कहते हैं आत्मा वही जायते, जो अपनी आत्मा से, जो अपने अंश से जो उत्पन्न होता है उसको आत्मज कहते हैं। तो हम जिसकी भी सृष्टि करते हैं, जिसको भी जन्म देते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे अंश से ही होता है। कोई कविता लिखता है, कोई कवि, कोई लेखक जिस ग्रंथ की सृष्टि करता है उसमें उसका अंश जो है वह विराजमान होता है, उसी का रूप होता है। अपने ही अंश को अपने ही हाथों, गलत हाथों में न पड़ जाए, इसलिए समाधि देने का ऐसा दुर्लभ और अन्यतम उदाहरण आपको अन्यत्र कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा, जो अपने ही अंश को स्वयं ही समाधि दे दे। सो गौड़िया संप्रदाय के यह जो वैशिष्ट पुष्प हैं, यह विचारणीय भी हैं, व्यावहारिक भी हैं, आलोचना के भी विषय हैं, पर इन सबसे परे हट के
इनका जो मूल रस है, इनका जो केंद्र में, इन सब वैशिष्टताओं के केंद्र में जो बात है वो वही है। अंत में यहाँ से प्रारंभ किया था वहीं पर आएंगे। इन सब वैशिष्टताओं का जो मूल है वह मूल एक ही है, आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम्। कृष्ण के अनुकूल हो करके उनकी सेवा, यही परमा भक्ति का लक्ष्य है, यही उनका स्वरूप है।